नमस्कार दोस्तों, डबल चिन एंड चिनाई लाइपोसक्शन। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करें अगर तो डबल चिन कंडीशन क्या है। चिन हमारे लिप के नीचे का ये वाला पार्ट चिन कहलाता है, और जब इसके नीचे मतलब नेक के ऊपर और मैंडिबल के लोअर बॉर्डर इसके बीच में अगर फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है या स्किन लूज हो जाती है तो इस कंडीशन को डबल चिन कंडीशन कहते हैं। दिखने में साइड से अगर देखा जाए ऐसे कंडीशन में तो चिन का जैसे इस तरह से एक उठाव होता है, एक बार फिर से एक डबल अपीयरेंस इस तरह का दिखने लगता है, और ये दिखने में बड़ा अजीब सा अपीयरेंस में आता है। मतलब इससे आपकी शख्सियत पूरी तरह से बदल जाती है। जैसा चेहरा या जैसा आपका अपीयरेंस डबल चिन कंडीशन से पहले होता है, और सपोज 10-20 सालों के बाद जब डबल चिन आ जाए तो कई बार तो उस इंडिविजुअल को पहचानना मुश्किल होता है कि ये वही हैं जो पहले कुछ ऐसे हुआ करते थे। आप इस लेवल तक समझ सकते हैं कि कितना चेंज आता है डबल चिन हो जाने से। ये होता क्यों है? शरीर में फैट का डिपोजिशन होना एक नॉर्मल फेनोमेना है जो एज के साथ, हमारी डाइटरी हैबिट्स के साथ, हमारी लाइफ स्टाइल के साथ थोड़ा सा फैट डिपॉजिट होता है, बहुत लोगों में होता है। लेकिन अगर फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन, एक्सेस डिपोजिशन पर्टिकुलर किसी जगह पे होने की बात करें तो उसमें एब्डोमेन, थाइस, बैक, बटक्स, आर्म और फिर एक चिन का भी नंबर आता है। चिन पे फैट डिपोजिशन होना हेरिडिटरी भी हो सकता है। देखा गया है ऐसा कि कुछ परिवारों में उनके आने वाले जनरेशन में बच्चों में डबल चिन फिर से डेवलप करता है। आप देखेंगे कि उनके बाकी शरीर में फैट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिनके भी चिन पे फैट है, डबल चिन कंडीशन है, वो बहुत ओबीज हो। नहीं, थोड़ी सी फैट डिपोजिशन होते हुए भी डबल चिन कंडीशन हो सकता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया या देखा जाता है कि इंडिविजुअल थिन बिल्ट है लेकिन फिर भी चिन पे यहाँ फैट डिपोजिट है, और स्किन की लैक्सिटी भी उसमें उस डबल चिन कंडीशन को बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे में अब बात आएगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट किन को जरूरत है? अगर डबल चिन कंडीशन टीनेज में हो रहा है तो उस समय आप, चूंकि उस समय आपके स्किन की टर्जिडिटी या स्किन की जो फॉर्मनेस है, इलास्टिसिटी ज्यादा, वो मेंटेन रहती है। तो अगर आप अपना बॉडी वेट लूज करते हैं तो स्किन फिर से वहां टाइट हो जाएगा। कई बार ऐसा दिखता है कि 14-15 साल के बच्चे जो कुछ लाइफस्टाइल में कमी होने के कारण, एक्स्ट्रा फैटी डाइट, जंक फूड खाने के कारण वो मोटे होते हैं, लेकिन जब उनमें एक इंसाइट डेवलप करती है 24-25 सालों में, 20-22 सालों में प्रॉपर एक्सरसाइज, जिम, डाइट पे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, तो समय के साथ वो फैट फिर खत्म हो जाता है और एक अच्छे बिल्ड के इंडिविजुअल दिखाई देने लगते हैं। मतलब कहने का कि अर्ली एज में या टीन एज में हमारे स्किन में इलास्टिसिटी, कोलेजन फाइबर में वो कैपेसिटी होती है कि अगर हम अंदर के फैट को निकाल दें तो स्किन फिर से नए लेवल पे फिट हो जाता है और वैसी कोई लूजनेस नजर नहीं आती है। लेकिन अगर डबल चिन कंडीशन एक पर्टिकुलर एज के बाद, सपोज 30s-40s में अगर डेवलप कर रहा है, तो एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद भी, फैट कम हो जाने के बाद भी डबल चिन कंडीशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज से ये मास तो खत्म हो गया है लेकिन स्किन का फोल्ड्स बन जाता है, वो लूज सा हैंग करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसमें लाइपोसक्शन ट्रीटमेंट अच्छा होता है। लाइपोसक्शन में अगर लेजर एनर्जी का यूज करते हैं तो लेजर से हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि वो कोलेजन फाइबर को भी टाइटन करता है, और कोलेजन फाइबर टाइट होने से फैट निकलने के बाद स्किन फिर से रीड्रेप होकर के अपने नॉर्मल अंडरलाइंग पोजीशन पे फिट हो जाती है और डबल चिन कंडीशन करेक्ट हो जाता है। ये बड़ी छोटी सी प्रोसेस होती है। यूजुअली टूमिसेंट लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है। एक छोटा सा कट यहाँ नीचे चिन के नीचे वाले एक जो डिप्रेशन एरिया जो सब लोगों में लगभग रहता है, उस जगह पे एक छोटी सी कट लगती है, और इसी के थ्रू लाइपोसक्शन के कैनुलास अलोंग विद द लेजर फाइबर ऑन द टिप इस पूरे एरिया में, लोअर हाफ ऑफ द फेस, मैंडिबुलर बॉर्डर, इसी तरह दोनों साइड और अपर पार्ट ऑफ द नेक, इस पूरे एरिया से फैट को शक करके निकाला जाता है।
दिखने में ये बड़ा थोड़ा डरावना सा लग सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बड़ी सिंपल सी होती है। हाँ, दिखने में लगता है कि ऐसे फाइबर्स मूव कर रहा है, लेजर के कैनुलास मूव कर रहे हैं, एक मेटल का पीस अंदर जा रहा है, लेकिन ये बड़ी सेफ सी प्रोसेस है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। और ये डे केयर में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सपोज एक घंटे का तकरीबन टाइम लगता है, एज पर द अमाउंट ऑफ फैट कितना है उस पर, तो एक घंटे प्रोसीजर में और 2-3 घंटा रेस्ट के बाद लोग अपने घर चले जाते हैं। एक सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर गारमेंट, इसमें एक इस तरह का एक डिवाइस लगा हुआ इलास्टिक का, वो हम लोग फिट कर देते हैं, जिसको 5-6 दिनों तक पहन के रखना होता है। हाँ, अगर बहुत डिस्कम्फर्ट होती है तो उसको निकाल दिया जाता है। 5 डेज के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं। चिन लाइपोसक्शन के बाद फेस में बहुत सारी सूजन हो जाती है, क्योंकि ये लूज टिश्यू इधर रहता है, तो लेकिन उस स्वेलिंग से डरने की जरूरत नहीं है। वो स्वेलिंग 5-7 डेज में बहुत हद तक कम हो जाती है और 5-6 वीक्स में लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुछ ब्रूज हेमेटोमास वो देख सकता है, नीला कलर या डार्क सा कलर बनता है, जो समय के साथ फिर खत्म होता है। और इसमें रिजल्ट पूरी तरह से प्रेडिक्टिव है, मतलब अगर चिन लाइपोसक्शन करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और उसमें लेजर फाइबर का यूज करेंगे, मतलब लेजर लाइपोसक्शन करेंगे जिसमें डायोड लेजर 1470 हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो रिजल्ट हर पेशेंट में आता है और चेहरे में एक बहुत अच्छा सा चेंज नजर आता है। तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट्स को देखें, कुछ पेशेंट्स के रिव्यू को देखें कि इनके चेहरे में कितना चेंजेस आया है। तो जस्ट देखते हैं पेशेंट के रिजल्ट्स को। आपके डबल चिन और चिक के लिए हम लोग लाइपोसक्शन किए थे। बढ़िया है, अभी तो थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है लेकिन, और मार्क्स कहीं भी नहीं दिख रहा है। हमारा जो अप्रोच था वो एकदम सबमेंटल एरिया में है, तो बहुत बेयरली वो विजिबल हो पाएगा। अभी थोड़ी सी स्वेलिंग है, विद टाइम ये सारी स्वेलिंग सबसाइड कर जाएगी, रिजल्ट और डिफाइंड होगा। कोई मार्क्स वगैरह नहीं आया है। आज कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। हाँ, वो बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। हाँ, बिफोर आफ्टर अगर देखा जाए। हाँ, बिफोर आफ्टर अगर देखा जाए दिख रहा है, मतलब जब भी आप बोलती हैं या थोड़ा सा भी स्माइल करती हैं तो एक प्रॉपर जेन्युइन डिंपल्स की तरह बनता है। यस। और बढ़िया, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, हमने देखा कि चिन लाइपोसक्शन, जो कि एक बड़ी छोटी सी प्रोसेस है, इससे आपके चेहरे के अपीयरेंस को बहुत हद तक चेंज किया जा सकता है, अच्छा चेंज किया जा सकता है। और ये कोई बहुत कम्बरसम सी और कोई कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी नहीं है। बहुत इजीली इस सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं और डे केयर में इस सर्जरी को पूरा करके और अपने चेहरे में एक अच्छा बदलाव क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था चिन लाइपोसक्शन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।